हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एकता स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। आज मैं आपके साथ वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नैक रेसिपी शेयर कर रही हूं, जिसे हम समोसा बोलते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी और ईजिली आप इसको घर में बना सकते हैं। घर में हम जो भी चीज़ बनाते हैं उसको हेल्दी वे में बना सकते हैं कंपेयर टू मार्केट के, क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट हम इसमें यूज़ करते हैं उनमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने समोसे बनाने के लिए मैदे की जगह पर आटे का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन। चलते हैं रेसिपी की तरफ। डो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले आटा लिया है, ऑयल, ये कैरम सीड जिसको अजवाइन बोलते हैं, एंड सॉल्ट। इंग्रेडिएंट को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ऑयल, कैरम सीड, सॉल्ट, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसका सॉफ्ट डो लगाना है, इस तरीके से अच्छे से मैश करते हुए। तरीके से अभी स्टफिंग बनाएंगे, और स्टफिंग के लिए मैंने ये पोटैटो लिए हैं, ये मस्टर्ड सीड, क्यूमिन सीड, चाट मसाला, गरम मसाला, ये अनियन है जिसको चॉप कर लिया है, चॉप गार्लिक एंड ग्रेटेड जिंजर, ग्रीन चिली, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये मटर है जिसको मैंने बॉईल कर लिया है, एंड सॉल्ट। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डाला है, और यहाँ पर मस्टर्ड सीड, क्यूमिन सीड, इसके बाद में जो चॉप्ड गार्लिक एंड जिंजर था वो डाल देंगे, और थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। इसके बाद में जो चॉप्ड अनियन था वो डाल देंगे। अगर आप अनियन और गार्लिक नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसको भून लेंगे थोड़ा सा। के बाद में जो भी स्पाइसेस थे वो डाल देंगे, टर्मरिक, गरम मसाला, चाट मसाला, ये कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में ये मटर थी वो भी डाल दी मैंने। और यहाँ पर जो पोटैटो थे उनको मैश करके डाल दिया है। इसको चला लेंगे। इसके बाद में सॉल्ट यहीं पे डाल देंगे, और मैंने हाफ लेमन लिया था वो भी मैं डाल दूँगी। हाफ लेमन को स्क्वीज करके डाल देना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट्स भी डाल रही हूँ, आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, चाहें तो पनीर भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको मैश करते हुए।
स्टफिंग को अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद में चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स वो डाल देंगे। इसको भी अच्छे से चला लेंगे। चला लेंगे इसको अच्छे से। स्टफिंग रेडी हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। हमने जो डो बना के रखा था उसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। इसके बाद इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। तरीके से ये सारी लोइयां मैंने बना ली हैं और अभी मैं इसको क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे इसको बेलना है मुझे। थोड़ा सा सूखा आटा डाला। और ये इस तरीके से लॉन्ग शेप में बेलना है इसको। राउंड में नहीं रखना है पूरा, इस तरीके से लॉन्ग में बेलना है इसको। इस तरीके से अभी इसको कट कर लेंगे मिडिल से। इसको ना ज़्यादा मोटा रखना है ना ज़्यादा पतला रखना है। और यहाँ पे इस कॉर्नर साइड से इसके वाटर थोड़ा सा लगा के और इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इसके मिडिल में स्टफिंग डालेंगे। इस तरीके से और अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे। और ये मैंने तलने के लिए डाल दिए हैं समोसे। इसको मीडियम फ्लेम पे तलना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने मैदे का यूज़ नहीं किया है, आटा यूज़ किया है क्योंकि मैदा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसे मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो अच्छे से क्रंची हो जाएंगे। तरीके से फ्राई करना है इनको। ये इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब निकाल लेंगे और जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल है उसको टिश्यू पेपर से वाइप ऑफ कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर मैदे का यूज़ नहीं किया तो ये हेल्थ फैक्टर से भी अच्छा है। सारे समोसे बन चुके हैं एंड लीजिए आपके गर्मा गर्म समोसे तैयार हैं। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और आप इसको गर्मा गर्म चाय के साथ या सॉस चटनी किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।